हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। श्याम रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते एकदम हलवाई के जैसे बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले शक्कर पारे। बनाने में बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। कहीं पे भी आप रास्ते में जाओ तो उसके लिए बना सकते हो। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये डेढ़ कटोरी के करीब लिया है हमने मैदा और थोड़ा सा ये डाला है हमने नमक ताकि मीठा जो है हमारा बैलेंस रहे, 1 पिंच ही है। और 3 चम्मच डालेंगे हम इसमें देसी घी। देसी घी का मोए नहीं डाले तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप उसमें रिफाइंड भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच डाला हमने इसमें बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच डाली है हमने इसमें सूजी। सूजी आपके ऊपर, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम बढ़िया से मसल के। ये जो सारी चीज़ें घी और सूजी और बेकिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। देखिए मुट्ठी बांध के देखेंगे तो हम अच्छे से मुट्ठी बंध रही है तो आपका मोयन जो है सही से है। अगर मुट्ठी नहीं बन रही है, वो बिखर रहा है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करके अच्छे से मोयन अच्छा डालें। यहाँ पे ही वो शुरुआत हो जाती है। अगर अच्छा मोयन नहीं डालता है तो शक्करपारे हमारे यहीं से बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका डो लगा लेंगे। एकदम से पानी ना डालें नहीं तो पतला हो जाएगा। पतला नहीं करना हमें, न ज़्यादा गाढ़ा टाइट और न नरम। 10 मिनट ढक के रख के और रेस्ट के बाद में फिर दोबारा से हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए एकदम से जैसे हम आटा लगाते हैं ना रोटी का, वैसा ही ये है। कुछ ज़्यादा टाइट और हल्का फुल्का, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। मसल के अच्छे से सॉफ्ट बना लेंगे। और अब हम बनाएंगे इसके शक्कर पारे। तो थोड़ा सा मसल के, अगर आपको साथ साथ में वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो अब ये जो आटा था हमने 2 हिस्सों में बांट लिया है और अच्छे से हम इसकी लोई बना के, एक लोई को हम ढक कर के रखेंगे और दूसरी को जब तक हम बेल के रखेंगे। वो चौकोर ही काटना है हमें शक्कर पारे, क्योंकि चौकोर ही होते हैं। नहीं तो आपका अगर मन हो तो आप इसको ट्रायंगल में भी काट सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं, पर ये जो शक्कर पारे हैं उनका जो साइज होता है वो चौकोरी होता है, तो आप चौकोरी काटेंगे अभी तो हम। और इसकी जो मोटाई है वो मोटे ही रखने हैं, एकदम पतला बिल्कुल नहीं करना है, मोटा रखना है एकदम। जैसे हम पिज्जा बनाते हैं ना, पिज्जे के लिए जो बेस बनाते हैं उसके जैसा। ये देखिए इतना मोटा हमें इसको रखना है, हल्का पतला रहेगा तो शक्कर पारे का वो मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम इसको काट लेंगे चाकू से। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो, पसंद हो आपको वैसा ही रख लें। बहुत ही अच्छे शक्कर पारे बनते हैं। एकदम से बनने के बाद कोई नहीं बोलेगा कि आपने ये घर पे बनाए हैं। बहुत हलवाई के जैसे एकदम से, जैसे हमारी शादियों में बनते हैं ना, वैसे बन करके रेडी होंगे। देखिए इतना ये साइज है मोटाई में। अब हम इनको डालेंगे, अब डालेंगे तेल में। तेल लिया है हमने, तेल बस गैस पे रखना है हल्का सा, बस गर्म होना शुरू होता है वहीं पे हमें शक्कर पारा डालना है। और क्योंकि एकदम से तेज आंच करके हम डालेंगे, ज़्यादा गर्म तेल करके डालेंगे तो वो एकदम से उनका टेम्परेचर जो है हाई हो जाएगा और ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए ऐसे में डालने के बाद बिल्कुल इनको 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करना, जब तक ये ऊपर तेल में ना तैर के आ जाए। नहीं तो फिर ये नरम रहते हैं उस स्टेज पे, तो अब उनको छेड़ेंगे तो वो फट जाएंगे। ये देखिए अब ये तैर करके ऊपर आ गए हैं, देखिए कितने बढ़िया जालीदार से बने हैं हमारे। तो अब हम इनको उल्टा पलटी कर करके अच्छे से सेकेंगे। टेम्परेचर हमें कम ही रखना है, एकदम से बढ़ाना नहीं है। बढ़ाएंगे तो वो फिर हमें उसका कलर भी वैसा वाइट में ही रखना है, ब्राउन नहीं करना है। अगर ब्राउन रखना होता तो हम थोड़ा हाई फ्लेम कर लेते। देखिए उल्टा पलटी कर करके 5 से 6 मिनट लगे हमें इनको सेकने में एक बैच को। ये देखिए कितने बढ़िया से ये सीख करके रेडी हुए हैं। कलर भी हमारा ब्राउन नहीं हुआ है, बहुत हल्के से वाइट ही रखने हैं ये। देखिए दूसरा कितना बढ़िया सा ये दूसरा बैच भी हमारा बन करके रेडी हो गया। सारे शक्कर पारे रेडी हो गए। अब हम बनाएंगे इसके लिए चाशनी। बहुत अच्छे बने हैं। अब चाशनी बनाएंगे, हमने 1.5 कटोरी मैदा लिया था तो हम 1 कटोरी चीनी लेंगे और 1/2 कटोरी डालेंगे हम इसमें पानी, क्योंकि हमें चाशनी एक तार से भी ज़्यादा गाढ़ी वाली चाहिए। जो जमने वाली चाशनी होती ना वो वाली चाहिए हमें शक्कर पारे के लिए। चाशनी उबलने लगी उसमें हमने 3 से 4 इलायची तोड़ के डाल दी है ताकि उसमें खुशबू अच्छी सी आ जाए इलायची की। और इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे क्योंकि हमें 1.5 तार के आसपास की चाशनी चाहिए। 2 की भी हो जाए तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए चाशनी जो है ज़्यादा मैक्सिमम बन के रेडी हो गई है। देखिए थोड़ा सा हाथ में लेके देखते हैं इसको। ये देखिए वैसे हमें चाशनी चाहिए, बहुत ही मोटा तार बन रहा है उसका। अब हम डाल देंगे इसमें शक्कर पारे जो हमने तल के रखे थे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में ही। और अभी हमें गैस का फ्लेम बंद नहीं करना, 1 मिनट के लिए हमें चाशनी को चलते चलते में ही शक्कर पारे को चलाना है। उसके बाद में हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और उसको 2 से 3 मिनट तक और हिलाएंगे जब तक। देखिए चाशनी चारों तरफ से कोट हो गई है अच्छे से सारे शक्कर पारों के ऊपर।
हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब ये चाशनी गाढ़ी होती जाएगी और सूखती जाएगी और इनके ऊपर अच्छे से ये लगी चुकी है, हर तरफ बराबर बराबर लगी है, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं। ये देखिए 5-6 मिनट के बाद में हमारी चाशनी जो है सूख गई है और इतनी बढ़िया से शक्कर पारे, देखिए मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, कितने बढ़िया सॉफ्ट और जालीदार बने हैं एकदम से, अंदर से कहीं से भी आपको कच्चा नहीं लग रहा है, कहीं से भी आपको सख्त नहीं लग रहा है, खाओगे और मुँह में घुल जाएंगे और बहुत ही अच्छे शक्कर पारे बने हैं हमारे। आवाज़ सुनिए इनकी, ऐसे शक्करपारे लगते हैं जैसे अभी अभी हम हलवाई के पास से लेके आए हैं। तो आप बना करके ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, आपको आगे कौन सी मिठाई या तो नमकीन नाश्ते की वीडियो देखनी है वो भी हमें ज़रूर बताइए। तो जय माता दी, जय श्री श्याम, धन्यवाद।